मेंस मोटिवेशनल चैनल। आज हम आपको उन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोग घर में कम, रिश्तों में कम और मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, जो लोग मोबाइल फोन के गुलाम बन गए। आज के दौर में मोबाइल फोन हमारी जरूरत बन गया है। एक तरफ इसके फायदे है तो दूसरी तरफ सबसे ज्यादा नुकसान। पहले भी हम गुलाम थे और आज भी हम गुलाम हैं। आज हम सोशल मीडिया के गुलाम हैं। नोटिफिकेशन आई नहीं कि उसे पिक किए नहीं। कई लोग तो हर 20 मिनट पे ये देखने के लिए जाते हैं कि मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक पर एक पोस्ट की थी, उस पर लोगों के कितने लाइक्स और कितने कमेंट्स आए। मैंने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस डाला था, उस पर लोगों के कितने रिएक्शन आए। 90% से भी ज़्यादा लोग सोने से पहले अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं। अब तक दुनिया में 1 बिलियन से भी ज़्यादा आईफोन बिक चुके हैं, जबकि आईफोन के मालिक स्टीव जॉब्स ने आज तक अपने बच्चों को आईफोन सोने तक नहीं दिया। एक रिसर्च के दौरान ये सामने आया कि 2015 तक सिर्फ 15% लोगों के पास स्मार्टफोन था, लेकिन 2021 में ये बढ़कर 58% हो जाएगा। एक आदमी एक बार कार चला रहा, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। वो मोबाइल पे बात कर रहा था। उसकी बीवी को काफी चोट लग गई थी। उसने अपने मोबाइल से कॉल करके अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी। मोबाइल के फायदे और गैर फायदे दोनों दिखाती है। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये उस पर निर्भर। असल में स्मार्टफोन प्रॉब्लम है ही नहीं, स्मार्टफोन की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन को घातक बताया जाता है। 10 साल से भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा बढ़ जाता है। कई लोगों को अपनी मोबाइल फ़ोन की बैटरी कम होने पर बेचैनी होने लगती है। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं द्वारा मोबाइल फ़ोन का अधिक इस्तेमाल करने से शिशु के दिमाग पर असर पड़ सकता है। अंत में मैं सिर्फ शैलेश लोढ़ा के शब्दों में इतना ही कहना चाहूँगा कि सादगी थी, सहजता थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे, तब जिंदगी थी। आप समय इस पे देखते हैं, इसने आपकी घड़ी छीन ली। आप नोट्स इस पे लिखते हैं, इसने आपके कागज और कलम छीन लिए। आप हिसाब भी इस पे करते हैं, इसने आपका कैलकुलेटर छीन लिया। आप अलार्म इसमें लगाते हैं, इसने आपकी अलार्म घड़ी छीन ली। इसने आपसे रिश्ते, बच्चे, क्या कुछ नहीं छीन लिया। इस दुनिया में हम जीने के लिए आए, तो जिंदगी जी लीजिए और मोबाइल फोन को कहीं दूर रख लीजिए। आप कहेंगे कि हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके मोटिवेशनल वीडियोज कैसे देखेंगे। मैंने पूरे वीडियो में आपसे ये नहीं कहा कि आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिए। आप मोबाइल का यूज़ कीजिए, लेकिन मोबाइल आपका यूज़ ना करें, ये ध्यान में रखिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।